अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हामिद खान है। अरीहा पढ़ना आप लोगों का खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे अपने बर्ड्स को फर्स्ट एड कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनकी केयर करनी है। कुछ बर्ड्स हैं मेरे पास जो इंजर्ड हैं, तो अक्सर हमारे फार्म में कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे को मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और हम उनकी केयर नहीं करते। हम सभी, मैं भी इसमें शुमार हूँ, आप लोग भी ऐसा ही होता होगा आप लोगों के साथ भी। तो इसमें अभी इस बर्ड को देखें, ये पीकॉक का बच्चा है, इसको दूसरे बर्ड्स ने मारा है और मार के इसको ज़ख्मी कर दिया है। ये देखें, चूँचें मार मार के इसकी आंखें बंद हुई हुई हैं। मैं आप लोगों को शायद करीब से दिखा पाऊँ। ये देखें, इसकी आईज़ बंद हुई हुई हैं, इसके कान ज़ख्मी हुए हुए हैं और ये काफ़ी ज़ख्मी है। तो इंशाल्लाह हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और एक ये बच्चा है हमारे पास, ये एक ऑस्ट्रेलियन का बच्चा है, ऑस्ट्रेलियन बजरी का। तो कुछ लोग होते हैं कि अगर महंगा परिंदा है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, अगर महंगा परिंदा नहीं है तो हम कहते हैं कि भी छोड़ो यार, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। जब महंगा होता तो हम बोलते हैं कि भी यार इतने का परिंदा है, इसको हम ट्रीटमेंट करें। नहीं, इंसानियत के नाते हमें चाहिए कि हमारा चाहे बर्ड सस्ता है चाहे महंगा है, हम उस बर्ड का इलाज करें, उसको फर्स्ट एड दें, उसकी जान बचाएँ, क्योंकि जान तो जान है, भले अमीर की है भले गरीब की है, भले महंगे परिंदे की है भले सस्ते परिंदे की है, हमने उसका इलाज करना चाहिए, उसको फर्स्ट एड देना चाहिए। इसको क्या मसला, ये बर्ड्स ये भी आपस में लड़े हैं बर्ड्स, और उनको जो है कि इसकी हालत ये ख़राब हो गई है। ये देखें, ज़ख्मी हुआ है, वैसे एक्टिव है, तो इसको भी इंशाल्लाह हम ट्रीटमेंट करेंगे। और एक ये बर्ड है ग्रीन फिशर का, ये ग्रीन फिशर का चिक है। इस चिक की भी हालत कुछ ऐसी है, इसकी आंखें बंद हैं और इसको फीड नहीं सही से मिली, तो ये इसकी हालत ऐसी होगी, ये वीक हो गया बहुत ज़्यादा। इसका क्या मसला है, इसका मसला है कि इसको फीड सही से टाइम पे नहीं मिल पाई, तो ये हालत इसकी ऐसी होगी। अब इसको हम हैंड फीड भी देंगे और इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो ये देखें, ये आप लोगों को मैं शायद दिखा पाऊँ, हमारे बर्ड्स अक्सर ऐसा होता है, जैसे ये लव बर्ड्स के हैं, ये आप लोग शायद इसको देख पाएँ, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, इसके मुंह के अंदर ज़ख़म हुए हुए हैं, इसके मुंह के अंदर ज़ख़म हुए हुए हैं। ये कोई या तो इसने बरादा खा लिया या बूरा खा लिया, ये सही से फीड नहीं ले पा रहा। इसको अगर हम हैंड फीड देंगे तो ये बच्चा, इसको हम सेव कर सकते हैं, इसको इंशाल्लाह इसका सही से ट्रीटमेंट करते हैं तो इसकी इंशाल्लाह हम लाइफ बचाएंगे। तो ये आप लोगों को दिखाते हैं हम कि इसका क्या करना है, कैसे करना है। इसको सबसे पहले तो इसकी हमने सफाई करनी है। इसकी सफाई के लिए हमें क्या करना है, आपने कॉटन ले लेना है, इस तरह से कॉटन से आपने सफाई करनी है, किसी और नोकदार चीज़ से या किसी और चीज़ से नहीं करनी, ताकि इसके ज़ख्मों पे ना लग सके, इसको पेन ना हो। ये इसकी सफाई करने के बाद क्या करना है वो भी आप लोगों से हम शेयर करेंगे, इसकी सफाई के बाद इसके साथ क्या करना है। ये ज़ख़म नज़र आ रहे हैं इसके मुंह के, जिसकी वजह से ये फीड नहीं सही से ले पा रहा, और इसके मुंह में बरादा जाने की वजह से इसका ज़ख़म हुए हैं, और ना इसके ज़ख़म सही से हुए ठीक हुए हैं और ना ही अच्छा। अगर हम ये सोच के इस बर्ड को छोड़ दें कि यार ये ग्रीन फिशर का बच्चा है, कुछ नहीं होता इसको, या इस इतने से क्या होगा, ये एक्सपायर हो भी जाएगा, तो खैर नहीं। ये देखें, ये ब्लड निकल रहा है, इसके मुंह में से ज़ख़म है, ब्लड लग गया इस पर थोड़ा सा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि
हमारा माइंड में ये होना चाहिए, हमारे जहन में, हमारे दिल में इतनी इनके लिए शफकत और प्यार होना चाहिए बर्ड्स का कि भी देखें कि भी भले सस्ता है भले महंगा है परिंदा, लाजमी नहीं है कि हमारा अगर पारब्लू होगा या ऑफलाइन होगा या कह लें कि आप हमारा बर्ड अल्बाइनो होगा तो हम उसकी केयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ऐसा होना चाहिए। ये हमारी गलत सोच है और हमें अपने बर्ड्स की केयर करनी चाहिए। अगर हमने बर्ड्स रखे हैं तो उन बर्ड्स का हमें ध्यान करना चाहिए, उनको टाइम भी देना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। हम बर्ड्स रख तो लेते हैं घर में लेकिन उनकी ट्रीट उनको ना तो ट्रीटमेंट कर पाते हैं उनका और ना ही हम उनको टाइम दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं और हम कहते हैं जी बर्ड्स का काम हमें रास नहीं आया, हमारे नसीब में नहीं था। देखें, जानदार है, इस जानदार को बेजुबान है, आपने कैद करके रखा है। अगर आप इसका सही से ट्रीटमेंट करेंगे, इसका इलाज करेंगे और इसको आप सही खाना पीना, इसकी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ये बर्ड आपका एक्सपायर भी नहीं होगा और आपको दुआएं देगा। इसको मैं अब दिखाता हूँ, हम इसको फीड करवाते हैं। अच्छा जी, हम आप लोगों को दिखाते हैं, इसको थोड़ी सी फीड करवाते हैं। इसको ये हमने थोड़ी सी फीड करवाई है, फीड करवा के इसके मुंह को फिर हमने कॉटन से साफ करना है ताकि ये फीड इसके गले में या इसके मुंह में ज़ुबान पे ना रह जाए। ये लगी रहेगी फीड तो इसके ज़ख्म ठीक नहीं हो पाएंगे। नहीं जी, इसके ये ज़ुबान और इसके ये साफ़ हो गए। अब हमने क्या करना है, ये ग्लाइसरीन है, ग्लाइसरीन जैसे अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं गर्मी की वजह से, ये बच्चों के मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह आ जाता है, उसके लिए इस्तेमाल होती है ग्लाइसरीन। ये ग्लाइसरीन ले लेनी है हमने और ग्लाइसरीन लेके हमने इसको ढक्कन में डाला, थोड़ी सी ग्लाइसरीन ढक्कन में डाल दी और इसको हमने इसमें कॉटन इसके साथ कॉटन के साथ, अच्छा कोशिश करनी है कि आपने कॉटन जो एक दफ़ा इसमें डिप करके निकाल लिया है वो दोबारा आपने ग्लाइसरीन में डिप नहीं करनी। ये लेके और इसके हमने मुंह में ये हमने ग्लाइसरीन लगा दी है, इसके मुंह में ये ग्लाइसरीन लगा के इसकी ज़ुबान पे लग गई है और इसके मुंह में लग गई है। अभी दोबारा हमने इसमें डिप नहीं करनी, ठीक है। और ये एक ड्रॉप है बिटनोसील बेटनिसोल एन, ये ड्रॉप जो है हम बर्ड्स के आइज़ इन्फेक्शन और ज़ख़म के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। इसकी आइज़ का मुझे थोड़ा सा डाउट था तो इसकी आइज़ में ये ड्रॉप भी हम एक एक ड्रॉप ये ड्रॉप भी हमने डाल दिया और इसको अब हमने छोड़ देना है ऐसे ही, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको हमने बॉक्स में रखना है, उसमें ना बरादा हो और ना ही कुछ और हो, तो ये इसमें इंशाल्लाह लगी रहेगी तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा हमारा परिंदा। इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे कुछ दिन तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा, 2-3 दिन में 4 दिन में सेट हो जाएगा।